प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम सीखेंगे घड़ी देखना। घड़ी को, घड़ी में समय को कैसे हम देखते हैं और हम बताते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपको स्क्रीन पर यहाँ पे एक दिख रहा होगा, एक घड़ी है, ठीक है बच्चों, ये है दीवार घड़ी, ठीक है। एग्जैक्टली जो हैंड वॉच है और जो वॉल वॉच है, दोनों सेम होते हैं, यानी कि इक्वल ही दिखते हैं। तो हम इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, समय को बताएंगे, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले नंबर ये है, इसमें थ्री हैंड्स होती है। कितने? तीन। ये हैंड्स क्या है बच्चों? ये सुई है, घड़ी की सुई। कौन कौन सी है इसमें? देखो, सबसे बड़ी जो है ना, ये जो पतली सी है और सबसे बड़ी है, इसको कहते हैं सेकेंड, सेकेंड, ठीक है, सेकेंड हैंड। इसको कहते हैं मिनट हैंड। क्या कहते हैं? मिनट हैंड। और ये सबसे जो छोटी है, इसको कहते हैं आवर हैंड। क्या कहते हैं? आवर, यानी घंटे वाली सुई। तो जब आप टाइम बोलेंगे ना, तो सबसे पहले आप छोटी वाली सुई देखो। जब भी आपको समय बोलना है, सबसे पहले आप छोटी वाली सुई देखो। और छोटी वाली किस क्या देखना है? छोटी सुई, छोटी सुई, छोटी हैंड या छोटी सुई, छोटी हैंड या सुई, ठीक है। तो अब देखिए, तो इसमें सबसे छोटी जो आप देखेंगे, इसी को आप बोलेंगे बज कर। क्या? बज कर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, जैसे ये छोटी वाली सुई किस पे है? तो ये 10 पे है। तो जैसे 10 है ना, तो इसके आगे 10 लगा दो, क्या हो जाएगा? 10 बज कर। मान लीजिए छोटी वाली सुई 9 होता, तो यहाँ हम क्या लिखते? 9 बज कर। छोटी वाली सुई 8 पे होता, तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? 8 बज कर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये 12 के बाद देखो, ये जो मिनट वाली सुई है ना, वो देखो कहाँ है। तो ये मिनट वाली सुई देखो कहाँ है? 2 पर है। तो जिस पे मिनट वाली सुई होगा ना, उसे 5 से गुना कर दो, ठीक है। तो 5 दुनी 10 कितने हो जाएंगे? 10। तो यानी कि यहाँ पे देखो आप, 10 बजकर 10 मिनट कितने हो गए बच्चों? 10 बजकर 10 मिनट, ठीक है। समझ में आया आपको? अब देखो, ये अगर ये वाली सुई, मिनट वाली सुई यहाँ पे होता, यहाँ पे, तो कितना होता? 3। अब 3 को गुना हम करते 5 से, 5 दिया 15, यानी कि 10 बजकर 15 मिनट। यानी कि ये मिनट वाली सुई जहाँ पे हो ना, जिस नंबर पे हो, उससे आप 5 से गुना कर दीजिए, वो आपका मिनट हो जाएगा। जैसे 10 बजकर 5 के 20 मिनट हो जाएगा। अगर ये वाली सुई यहाँ हो, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 बजकर 25 मिनट पर। आपको समझ में आ गया ना? चलिए अगला घड़ी देखते हैं, और आप हमें टाइम बताएंगे इसमें क्या बजकर कितना मिनट हो रहा है। ये रहा घड़ी। चलिए, आप सबसे पहले, मैंने क्या कहा आपको? छोटी वाली सुई देखो। तो आप बताओ इसमें छोटी कौन सी सुई है? तो ये है बड़ी, और उससे छोटी ये है, और सबसे छोटी है ये। तो ये सबसे छोटी जो रहता है, उसको हम क्या पढ़ते हैं? बज कर, बज कर। तो कितना बज कर, कितने पे है? तो 10 पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, 10 बज कर। अब देखो मिनट बताएंगे, तो ये किस पे है? 2 पर। तो 2 को 5 से गुना कर दें, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, यानी 10 बजकर 10 मिनट, ठीक है, मिनट। तो आपको क्या देखना है? 10 बजकर 10 मिनट, यानी कि बड़ी वाली सुई जो होगा वो बताएगा मिनट, ठीक है, और जो छोटी वाला सुई है वो बताएगा घंटा या फिर घंटे, और ये जो ये पतली वाली सुई है, इसको कहते हैं सेकेंड, ठीक है बच्चों, सेकेंड, सेकेंड्स। तो आप इसको ध्यान से, चलिए अगला घड़ी देखते हैं। अब आप बताओ यहाँ पे कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं। तो मैंने कहा सबसे पहले देखो छोटी वाली, छोटी वाली किस पे है जी? 7 पर है। तो यहाँ पे क्या होगा? 7 बजकर 7 बजकर कितने मिनट? ये वाली कितने पे है? 3 पे है। तो 3 गुना किससे करेंगे? 5 से। तो 5 दिया 15, यानी कि 7 बजकर 15 मिनट, 7 बजकर 15 मिनट, ये आ जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे देखो लिखा भी है 7 बजकर कितना मिनट 15 मिनट। अगला घड़ी देखते हैं, आप सभी बच्चे बताएंगे इसमें कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है। तो देखो यहाँ पे अभी तो हमने सीखा कि सर आपने बताया कि छोटी वाली सुई जिस पे होगा
वो हमारा बचकर होगा। तो यहाँ तो ना तो 11 पे ना तो 12 में, तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों के बीच में जो है ना, उससे पहले जो नंबर आता है, छोटी वाली सुई जैसे बीच में है, इसके पहले कौन सा नंबर है? 11 है। तो 11 उसके बाद छोटी वाली यहाँ लिखेंगे बज कर, बज कर। अब यहाँ पे किस पे है? 6 पे है, तो 6 को गुना करेंगे 5 से, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे यहाँ 30 क्या हो जाएगा बच्चों? ये होगा मिनट। तो यानी हमारा आंसर होगा 11:30। या जब 30 मिनट हो ना, 30 मिनट जब हो तो इसको साढ़े बोलते हैं, साढ़े। तो यानी कि 11:30, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 11:30 बज चुका है। चलो अगला घड़ी में दिखाता हूँ, इसमें आप टाइम बोलेंगे कितना बजकर कितना मिनट हो रहा है। ये है घड़ी। चलो अब यहाँ पे ये घड़ी देख के आप बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 4 सुई है, इसमें 4 हैंड्स हैं। कितने हैं? 4 हैंड्स हैं। लेकिन हमारे घड़ी में तो सिर्फ 3 ही हैंड्स हैं। देखो प्यारे बच्चे, इसमें जब भी 4 हैंड्स हो ना, 4 सुइयाँ हो, तो एक सुइयाँ जो है वो बताती है अलार्म की। क्या? अलार्म। क्या बताती है? अलार्म। तो अब देखो अलार्म में क्या आता है, जब है ना, जब आप सो जाते हैं और आपको सुबह 4 बजे उठना है, यानी भोर में 4 बजे उठना है, तो आप ऐसे तो उठ नहीं पाओगे, तो आप घड़ी में क्या लगा देते हैं? अलार्म। अलार्म सेट कर देते हैं और बस घड़ी 4 बजते ही घड़ी आवाज़ लगाने लग जाती है कि उठो उठो उठो, तुम उठो। और किसी के घड़ी में बोलता है ट्र 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 ट्र, टिक 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 टिक, ये घड़ी आवाज़ करती है। यहाँ पे घंटी भी बजती है, ट्रं 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 ट्रं, ठीक है। ये घड़ी में आवाज़ लग जाते हैं, फिर हम उठ जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो ये वाली है जो अलार्म की घड़ी है, और ये सबसे छोटी है तो ये घंटे वाली है, और ये तो सेकंड वाली हमने सीखा, और ये क्या है? ये मिनट वाली है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें कितने बजकर कितने मिनट हुए हैं। सबसे देखो किस पे है छोटी वाली सुई? तो 10 पे है, तो 10 बज कर, और मिनट वाली कितने? 2 पे। इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 × 2 = 10, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10:10, ठीक है बच्चों। चलिए आगे हम देखते हैं। अब इसमें आप घड़ी देख के बताओ इसमें कितना बज रहे हैं। तो इस पे छोटी वाली सुई देखो, छोटी वाली किस पे हैं? 3 पर हैं, तो यहाँ होगा 3 बज कर, और किस पे है? 12 पे है, तो इस पे आप 5 से गुना करोगे तो 12 × 5 = 60 हो जाएगा। 60 मिनट बराबर पूरा घंटा हो जाता है, यानी कि पूरा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ 3 बजे हैं टोटल, एग्जैक्टली कितना बजे हैं? 3। तो यहाँ पे एग्जैक्टली कितना बजे हैं? 3 बजे हैं, 3 बजे हैं, ठीक है। चलो अगला घड़ी ये रहा, आप इसमें समय देख के बताओ कितना बजे हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले ये छोटा वाला सुई, छोटे वाले सुई कहाँ पे है? 12 पर। तो इसका मतलब क्या होगा? 12 बज कर, 12 बजकर कितने मिनट? ये 4 पे है, तो 4 गुना क्या करोगे? 5, तो 4 × 5 = 20, तो 12:20 कितना हो जाएगा? 12:20, ठीक है बच्चों, 12:20। अगला देखिए ये घड़ी में आप बताइए कि कितना बजकर कितना मिनट हो रहे हैं। तो देखो छोटी वाली सुई देखो कहाँ पे है? 8 पे है, तो इसका मतलब हमारा समय होगा 8 बज कर। अच्छा ये बड़ी वाली सुई कितने है? 4 पे है, तो इसमें मल्टी 5 का पारी लिख दो, 5 × 20, तो ये 20 हो जाएगा, 8:20, 8:20, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए अगला घड़ी देखते हैं। अब ये तो हमने वो घड़ी सीख लिया, अब हम सीखेंगे हाथ घड़ी देखना। हाथ घड़ी जो है हैंड वॉच, वो हम कैसे हैंड वॉच में समय हम कैसे देखेंगे, ये देखो। चाहे वो हैंड वॉच हो या फिर वॉल वॉच हो, दोनों सेम ही होता है और समय भी सेम ही बताता है। चाहे वो हैंड वॉच हो या फिर वॉल वॉच हो, समय हमेशा दोनों ही घड़ी एक जैसी बताती है। कोई भी घड़ी जो समय बताती है वो अलग अलग नहीं बताती है,
चाहे वो आपका घर हो या किसी और का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे छोटा वाली सुई हम देखते हैं, छोटी वाली कौन सी है, ये 10 है। तो यहाँ क्या होगा, 10 बज कर, 10 बज कर, तो 10 बजकर कितने मिनट, 2 पे है, तो 2 को 5 से गुना करो, तो 2 पंचे 10, यानी 10 बजकर 10 मिनट, 10 बजकर 10 मिनट, ये हमारा घड़ी। अगर आपसे ये घड़ी आपने पहन रखी होती और आपसे कोई पूछता कि बताओ आप कितने बज के कितने मिनट होते हो रहा है, तो आप बताते 10 बजकर 10 मिनट। चलिए अगला देखिए, ये भी हैंड वॉच है, आप बताना है कितना बज के कितने मिनट हुआ। तो यहाँ पे देखो छोटी वाली सुई किस पे है, 9 पर, बड़ी वाली कितने, 12 पे, तो यहाँ पे हमारा क्या एग्जैक्ट 9 बजे है, 9 बजा है या 9 बजे हैं, ठीक है। चलिए अगला घड़ी देखो, यहाँ पे देखो छोटा वाला सुई किस पे है, 6 पे है, तो इसका मतलब क्या होगा, 6 बज कर, और ये बड़ी वाली सुई कितना, 2 पे है, इसको 5 से गुना कर दूँ कितना होगा, 10, यानी 6 बजकर 10 मिनट, ठीक है। जो मिनट वाली है ना वो, उसमें आप क्या करें, आप 5 से गुना कर दें तो आपका मिनट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अगला, अब हम देखेंगे रेलवे वाले घड़ी, कौन से, रेलवे घड़ी, रेलवे घड़ी, ये रेलवे घड़ी क्या अलग होती है, अलग नहीं होती है। जैसे हमारे घड़ी में ना 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे बजता है ना, फिर 12 के बाद फिर 1 से शुरू हो जाता है, लेकिन रेलवे में ऐसा नहीं होता। रेलवे में क्या होता है, 12 के बाद फिर 13 बज जाता है, 13 के बाद 14, फिर 14 के बाद 15, 14 के बाद 15, और फिर 15 के बाद 16, इस तरह से 24 तक बजता है, कितने तक, 24 तक, ठीक है। हमारा यहाँ 12 के बाद 1 हो जाता है, इसके बाद 24 के बाद फिर 1 होता है, ये रेलवे की घड़ी है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि दिन दिन और रात, दिन और रात मिला के कितना है, 24 घंटे, 24 घंटे, इसलिए रेलवे में 24 घंटे की घड़ी होती है, ठीक है बच्चों। देखते हैं अब इसमें घड़ी कैसे, जैसे यहाँ देखो हमारे घड़ी में 12 बज जाएगा, उसके बाद फिर 1 बज गया, लेकिन इनके घड़ी में क्या है, रेलवे वाली घड़ी में पहले 12, उसके बाद 12 के बाद यहाँ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, उसके बाद फिर बज गया कितना, 24, 24 होगा तो वहीं पे आ गया, फिर दोबारा सूर्य घड़ी हो गई। तो अब बताओ कि इस घड़ी देख करके कितने बजकर कितने मिनट हो रहे हैं, तो हम देखते हैं 10, तो 10 में आप करो क्या, 12 जोड़ दो, रेलवे की घड़ी में यही नियम है कि 10 में 12 जोड़ दो, या जितने बज रहे हैं उसमें 12 जोड़ दो, उतना टाइम हो जाएगा। 10 में 12 जोड़ देंगे, 12 10 कितना हो जाएगा, 22, तो यानी ये हो गए 22 बजकर, 22 बजकर, 12 नहीं 22, 22 बजकर, और यहाँ पे 10 मिनट, 22 बजकर 10 मिनट, ये हो गए 10 मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायरेक्ट मिनट दे रखे हैं, 1 2 3, ये सारे मिनट हैं, 5 के बाद ये 5 मिनट है, यहाँ खाली नहीं है, ये 15 के बाद 16 17 18 19 20, ये 20 मिनट हो गया, क्योंकि 5 से इसमें गुना करोगे तो 20 आ जाएगा, फिर 5 से गुना करोगे तो यहाँ 25 आ जाएगा। ये घड़ी देखने का तरीका है, घड़ी देख के आप समय एग्जैक्टली आप कोई बिना गलती के बता सकते हैं। तो चलो अगला घड़ी देखते हैं, आप बताओ कि रेलवे की घड़ी में ये कितना बज रहा है। ये रहा घड़ी आपके पास, देखो कितने बज रहे हैं, 10 है, तो 10 में 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 22, तो 22 बजकर ये कितने हैं, 2, 2 पंचे 10, 22 बजकर 10 मिनट, 22 बज कर, 22 बजकर 10 मिनट, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला घड़ी देख के बताओ कितने बज के कितने मिनट हो रहे हैं, तो कितने हैं रेलवे वाली घड़ी में बताना है, तो 8 है, तो 8 में जोड़ोगे 12, कितना हो जाएगा, 20, यानी कि 20 बजकर, 20 बजकर, ये 4 पे है, 4 से देखो 1 पहले है, तो यानी 4 पंचे 20 और 1 कम है, यानी कि 19, तो यहाँ 4 बजकर 19 मिनट, कितने हो जाएगा बच्चों, 4 बजकर 19 मिनट, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया, ठीक है। अब क्वेश्चन है कि बताओ कि जब 12 बजेगा, यानी कि ये 20 बजेगा, सॉरी 12 नहीं, ये 20, 20 बजकर 19 मिनट, तो ये दिन होगा या रात, तो हमेशा ध्यान रहेगा कि
आपको जब भी 12 13 14 18 की बात करेगा तो ये सारे शाम इवनिंग की बात करेगा। मान लो 18 बजे हैं तो बताओ सुबह की है या शाम की, या दिन है या रात है, तो ये होगा शाम का टाइम, क्योंकि ये 6 होगा और 6 में 12 जोड़ोगे तो 18 होगा। ठीक है बच्चों, चलो अगला घड़ी देखते हैं और बताओ इसमें कितने बज रहे हैं। तो देखो ये कितने हैं, दो पर है छोटा वाला सुई, तो छोटे वाले सुई दो पे हैं, तो यहाँ से 12 एक 13 और एक 14, या फिर डायरेक्ट 12 में दो में 12 जोड़ दो तो क्या जाएगा 14, तो ये हमारा घड़ी के टाइम है। तो कितना हो जाएगा 14 बजकर, ठीक है, यहाँ पे अभी 14 बजा नहीं है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि 10 मिनट ये कम ही है, ये वाला यहाँ पहुँच जाएगा तब 14 बजेगा। तो इसका मतलब क्या है कि 14 बजने में 10 मिनट है, या फिर 13 बजकर 50 मिनट, 50 मिनट, 13 बजकर 50 मिनट, क्योंकि ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। ठीक है, चलो ये वाला घड़ी आप देख के बताइए कि कितने बजकर कितने मिनट हो रहा है, वो भी रेलवे वाले घड़ी में। क्या रेलवे वाले घड़ी में? तो अभी मैंने बताया कि जो छोटी वाली सुई है ना उसमें आप जोड़ दो 12, तो ये छोटी वाली सुई किस पे है, 8 के बाद है, तो 8 में जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 20, और ये कितना है 6, तो ये 20 बजे, 20 बज कर, और ये 6 पे है तो 6 5 30, यानी कि 30 मिनट, कितना हो जाएगा 6 बजकर 30 मिनट। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारे घड़ी, कुछ घड़ी हैं जो आज हमने समय देखना सीख लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे घड़ी देखना सीख गए होंगे, अपने अपने घड़ी देखो घर में, और आप अपने मम्मी पापा को